क्या भारत रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रुकवाएगा? दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि पुतिन से लेकर मेलोनी तक भारत की भूमिका को अहम मान रहे हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या है मॉस्को मिशन का मकसद, इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी यहाँ जेलेंस्की से साफ तौर पर रूस से सीधे बातचीत करने का आग्रह किया था। दो दिन पहले ही पुतिन का भी बड़ा बयान सामने आया था। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। और इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी भी यही बात कहती हुई नजर आईं। उन्होंने टिप्पणी उस वक्त की भारत को लेकर जब खुद उनके साथ मंच साझा कर रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध जारी है। दुनिया के तमाम देश शांति पहल की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दुनिया का भरोसा भारत पर टिका हुआ है। खबर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा के लिए मॉस्को जा सकते हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि संघर्ष को सुलझाने में भारत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। पीएम मोदी के कीव दौरे से कुछ दिन बाद उन्होंने भी जेलेंस्की से मुलाकात की थी। मेलोनी का यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात के बाद आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं कि इससे सुलझाने में भारत से ईमानदार कोशिश की alla fine nazioni attori come Cina e India possano giocare un ruolo e debbano giocare un ruolo per risolvere il conflitto in Ucraina. L'unica cosa che non si può fare, signori, è pensare che si risolve il conflitto in Ucraina mollando l'Ucraina al suo destino, perché questo non porterà pace, porterà caos, porterà guerre più vicine a casa nostra e porterà molte conseguenze economiche tanto più gravi di quanto oggi costa sostenere l'Ucraina. मेलोनी का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों को यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये कह चुके हैं कि उन्हें इस मसले को सुलझाने में भारत से ईमानदार कोशिश की Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнения в том, что руководители этих стран... पुतिन से लेकर मेलोनी तक सबको भारत से उम्मीद है और भारत युद्ध खत्म करने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। खबर है कि अजय डोभाल मॉस्को जाने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम की फोन पर बातचीत के दौरान ये चर्चा हुई कि पीएम अपनी यूक्रेन यात्रा के बाद शांति से जुड़े विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने NSA को रूस भेजेंगे। इसी के मद्देनजर NSA अजय डोभाल रूस की यात्रा करेंगे। लंबे वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि ये जंग का दौर है।